थी मूवी? ठीक थी, इतनी खास नहीं थी। इतनी खास नहीं थी। आपको कैसे लगी? अच्छी लगी। बढ़िया थी। अभी सुबह सुबह ही हम आए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बढ़िया था। अच्छा, देख के पैसा वसूल हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। सर कैसे लगे पिक्चर? अरे भाई साहब बिल्कुल बेकार, कोई खास मजा नहीं आया, सब स्टोरी बिगाड़ दी। कैसे लगे? अरे सर निवेदन है बिल्कुल ना जाए। अरे बाप रे। मैम कैसे लगे मूवी? अच्छी थी। सर कैसे लगे? बहुत घटिया भाई यार, बकवास पिक्चर है। आपने देख ली? नहीं, हम आपके देखने बाकी। नहीं नहीं, वो देखना मजा है, बच गए आप, मैं देखना। इतने घटिया? बहुत घटिया। नींद आ गई थी 15 मिनट के लिए, इतनी बोरिंग की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, बिल्कुल बकवास है और बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी है। कोई याद ही नहीं मतलब रामायण का मजाक। रावण अच्छा लगा हमको और डायलॉग अच्छा लगे, कॉमेडी कर रहे थे थोड़े से। भाई कैसे लगे पिक्चर? बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया थी। कैसे लगे भाई? एक नंबर। अल्टीमेट। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे लगे? इस रन की जगह तो दूसरी हीरोइन को लेना था यार, नया चेहरा होना था तो सीता माता की फीलिंग आती है, तो हीरोइन लग रही पूरी। आप ये बताइए प्रभास का काम कैसा था एज अ श्री राम? प्रभास का काम तो अच्छा था और बजरंगबली मेरे को बहुत अच्छे लगे, बाकी तो कैरेक्टर एक्शन वगैरह एक्शन सीन्स वगैरह कैसे थे? अरे पूरा कार्टून बना दिया यार, लग ही नहीं रहा कि आदि पुरुष है। ये है पबजी का टू, जैसे पबजी देख रहे हो आप, पबजी खेल रहे हो, बस पबजी वाली फीलिंग आई। मतलब कुछ तो अच्छा लगा होगा सर? अच्छा सीन यही है बस। बस राम जी भी अच्छे लगे हैं, पर प्रभास की एक्टिंग आ रही थी उसमें जी, बाहुबली जैसी। बाहुबली? हाँ, पूरा किरदार बाहुबली जैसा निभाया उन्होंने प्रभास में। राम जी जैसी फीलिंग नहीं आई और हीरोइन के बारे में भी हीरोइन जैसी फीलिंग नहीं आई वैसे। मतलब जितने उम्मीद लेकर आए थे वैसे फिल्म नहीं, ऐसी फिल्म नहीं है। निराश कर दिया या फिर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिला? नहीं ठीक है, मूवी अच्छी है, कॉमेडी भी है। रामायण में कॉमेडी? कॉमेडी थी, कॉमेडी भी डायलॉग में कॉमेडी। आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, कॉमेडी कॉमेडी है पूरे। और जो लैंग्वेज है ना उसकी पूरी ऐसी देसी कर दी है, मतलब जैसे एकदम मर्यादा में बोलते ना राम जी, वैसा कुछ भी नहीं है उसमें। पूरी लैंग्वेज मतलब टपोरी टाइप में हो गई है। कुछ तो अच्छा लगा होगा फिर। एक चीज अच्छी थी इस मूवी में, सबसे बेस्ट ये था कि प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वो राम लेके नहीं बोला, राघव से क्या ये संबोधित किया मूवी का, ये सबसे बेस्ट सीन था। कि फिल्म लगभग 3 घंटे की है तो 3 घंटे तक बांधे रखती है या फिर? नहीं नहीं, बोरिंग, पूरा बोरिंग, एकदम बोरिंग, सीन में मजे नहीं आया। निराश की है। अच्छी है, अच्छी है इतने बुरे करने के बाद। ठीक है, राम जी है अपने, मतलब श्री राम के भक्तों को पसंद आएगी? आएगी, बट राम जी का बस थोड़ी फीलिंग में कमी रही है, फीलिंग चाहिए थी। रामायण देखी थी अपन ने पुरानी वाली, उसमें उसके मुकाबले इसमें थोड़ा सस्पेंस अलग तरीके दिखाया। आउट ऑफ 5 कितने देंगे? 3। आप बताइए आपको कैसे लगे मार्केट में? अपने कैसे लगे पिक्चर? अपने को तो मजा ही नहीं आया यार। क्या क्या मजा नहीं आया, क्या सोच कर आ रहे? मतलब कार्टून जैसी मूवी बनाई यार, कम से कम भगवान को एक सोने का मुकुट तो पहनाना चाहिए इनको, बिना सोने का मुकुट है। आखिरी में अयोध्या भी दिखा रहे तो पूरा कार्टून में दिखा रहे लास्ट में। अयोध्या सोने की होना चाहिए ना? नहीं, लंका सोने की नहीं, अयोध्या को भी दिखाना चाहिए थोड़ा सा महल टाइप का, लेकिन आखिरी में पूरा कार्टून है। और लंका जो दिखाई, लंका तो पूरा लोहा है और संगमरमर, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर की बनी हुई है, कुछ भी नहीं दिखाया है इसमें। उसमें चील वाला दिखा दिया वो सीन, कि चील पर बैठ के आता है रावण, जबकि वो उरंतस्त्री में आता है, तो ये पॉइंट है गलत है। अच्छे सीन बहुत बढ़िया। अरे मतलब जब रावण को लेने आए, मजा ही नहीं आया, मेरे को नहीं आया मजा। धीरे धीरे बता पाऊंगा, एक बार बता ही नहीं पाऊंगा एक बार में कि कैसी लगी। बताओ बताओ क्या लगा? देखो VFX काफ़ी सुधारा है, टीजर से लेकर अभी तक काफ़ी VFX सुधर गया है जी जी, लेकिन इमोशनलेस मूवी है। रामायण में सबसे मेन चीज़ इमोशन होती है, इमोशन ही नहीं आया, एक आंसू नहीं गिरा। मतलब उससे चलो ट्रेलर बनाया था कि कम से कम फील तो हुआ था, यहाँ कुछ फील ही नहीं हुआ मूवी में। उसके बाद 3 घंटे की मूवी, इतना टाइम है और मूवी में कंटेंट है ही नहीं, बोर कर रहे हैं बस। मतलब हमने 3 घंटे देख के आए, याद ही नहीं कि मूवी में क्या क्या कंटेंट था। सब जो मेन मेन चीज़ें हमने देखी रामायण में हनुमान मूवी में सब हटा दिया इसमें से, फालतू के सीन दिखा रहे हैं, कुछ भी कचरा दिखाया जाने। प्रभास एज अ प्रभु श्री राम जस्टिफाई कर पाए? नहीं, वो उतना फोकस ही नहीं करा राम पे, किसी पे फोकस नहीं करा, एक भी कैरेक्टर पे स्पेशल फोकस ऐसा याद ही नहीं कि इसका कुछ दिखाया हो। हनुमान जी सबके फेवरेट है, उनको तो क्या बोलूँ मैं, उनके डायलॉग ऐसा किसी छपरियों ने लिखे, बोले तेरे बाप की जली तेरी जली, ऐसे ऐसे डायलॉग है कोई, मतलब झोपड़पट्टी वाले ने डायलॉग लिखे ऐसा लग रहा है, बहुत गंदा। और सैफ अली खान है सर? सैफ अली खान ने बहुत बढ़िया काम करा है, लुक भी अच्छा लगा, ऐसा नहीं छपरी लगा, अच्छा लगा, और साइज में बड़ा दिखाया है सैफ अली खान, तो वो ऐसा टिक्का नहीं दिखा क्योंकि ऐसे कम हाइट है, तो अच्छा करा है। मतलब मेन विलेन छा गया रामायण जैसी मूवी में, जहाँ पे राम भगवान का आना चाहिए था वहाँ पे विलेन ज़्यादा छा गया, राम भगवान का वो कुछ भी फील नहीं हुआ।
मतलब कुल मिलाकर फिल्म ने आपको एंटरटेनमेंट नहीं दी जो मतलब हाँ डायरेक्टर ने सोचा होगा कि हमको एक्शन मूवी बनानी है ना एक्शन मूवी बना दी एक्शन एक नंबर है मैं बोलूँगा डायरेक्शन भी अच्छा काफ़ी अच्छा है लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत घटिया है जबकि और कहानी लिखी लिखाई है उसको कैसे खराब करते वो उनसे सीखो लिखी ऐसे राम कैसे लगे प्रभास राम नहीं लगे नहीं लगे नहीं लगे नहीं फील ही नहीं आया उससे अच्छा तो बाहुबली मन देख के लगता है कि यार वहाँ राम ज़्यादा लगता है वो बाहुबली टू में और यहाँ देखो तो एकदम कुछ तो भी लग रहा है मतलब सनी सिंह की एक्टिंग इतनी घटिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो एक्टर अच्छा एक्टर है इसमें बहुत घटिया एक्टिंग करी है कृति सरन का काम ही नहीं है पूरी पिक्चर में 15 मिनट का काम है बस अशोक वाटिका में कुछ नहीं दिखाया जलाने वाले सीन में कुछ इतना खास नहीं दिखाया जो भी मेन हाईलाइट है ना रामायण के एक भी सीन को ढंग से नहीं बनाया सब कुछ नया नया बना दिया और लॉजिक भी सारे चेंज कर दिए संजीवनी बूटी केवल लाना है कैसे लाना है कहाँ से लाना है सब नया दिखाया इन्होंने ओरिजिनल कुछ भी नहीं रखा है मतलब ओवरऑल फिल्म ने आपको पूरी तरह से निराश कर दिया बिल्कुल मतलब सबके सब मूवी खत्म ना सब ऐसे बस उठ के आ रहे हैं फीलिंग ही नहीं इससे बहुत बेटर ब्रह्मास्त्र थी अगर देखा जाए ना वाव मोमेंट्स थे मूवी में भले उसके घटिया डालते हैं लेकिन आपने 3D में देखा तो 3D में विजुअल हाँ फर्स्ट हाफ में 3D पूरा था सेकंड हाफ में 3D इफेक्ट थे ही नहीं निकाल के देख लो लगा के देख लो सेम कोई फर्क नहीं अच्छा ओवरऑल आउट ऑफ 5 कितने देंगे आउट ऑफ 5 2 तो मैं देना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्शन ठीक था कैसी लगी मूवी बहुत ख़राब मतलब जो चीज़ अच्छी थी रामायण हमने देखी बचपन वो रामायण द एपिक 3D जो थी 3D वर्जन वो ज़्यादा अच्छा लगता है इससे क्योंकि इसमें देख के मज़ा ही नहीं आया मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि रामायण देख रहे हम कोई बड़ी पिक्चर लार्जर लाइफ वाले मूवमेंट ही नहीं थे बस चले जा रहा जो चल रहा है लोग लड़ रहे फालतू मतलब उसमें ऐसा आया नहीं कि राम भगवान आए वो चल रही लड़ाई रावण और राम की वो बस लड़े जा रहे फालतू उसमें फील नहीं वो आवाज़ नहीं मज़े नहीं आया मतलब इमोशन फील नहीं करा बिल्कुल नहीं और एक्शन सीक्वेंस वगैरह एक्शन भी सही चल अच्छा लगता है पर वो इस मूवी में शूट ही नहीं हो रहा है और डायलॉग इतने ख़राब थे वो भगवान के डायलॉग होने चाहिए ना ऐसे होना चाहिए हमारी बात होती वो तेरी चली तेरे बाप का कपड़ा तेरे बाप की चली हाँ ऐसे डायलॉग वो हनुमान जी के वो भी इतना ख़राब लगता है देख के लोग हंस रहे थे लोग उसकी हंसी उड़ाए थे हनुमान जी की जो उसने करा वो बहुत ख़राब करा उनने जो भी करा मतलब ओवरऑल फिल्म ने आपको निराश हाँ वो होगी ये बस ही जो पहले दिन आएगा इलेक्शन वो आएगा बाकी कुछ नहीं आएगा आगे 750 करोड़ कितने रिकवर करेंगे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं आउट ऑफ 5 कितने देंगे प्रभा नहीं बिल्कुल वो बाहुबली के अलावा कहीं सूट ही नहीं हो सकता इंसान राजमौली ने इसको इतना अच्छा कैरेक्टर बना दिया था प्रभास को कि साहू देखो साहू में वो इतना डल लगता है इंसान और उसके बाद फिर राधेश्याम तो मैं देखी नहीं है मेरा मन ही नहीं हुआ और लगता है इंसान ही गलत वो इंसान मतलब वो तनी क्यों सूट नहीं होता आप चलो आ जाओ कैसे लगी आदि पुरुष अच्छे लगे एवरेज बहुत बोर थी बोरिंग थी आप बोल रहे थे मतलब ट्रेलर के कंपेयर में बोरिंग थी काफी एक्शन सीक्वेंस कैसे हैं फिल्म के ठीक है इतने अच्छे नहीं है इतने अच्छे नहीं प्रभास एज अ प्रभु श्री राम कैसा किरदार निभाया उन्होंने अच्छा लगा वो तो अच्छा था अच्छा लगा तो हाँ और फिर माँ जानके के किरदार में कृति सेनन का काम अच्छे थे वो सीता जी फिल्म में क्या क्या अच्छा लगा आप ये बताइए सब अच्छा था सिर्फ मतलब रावण अच्छा नहीं लगा और लक्ष्मण भी अच्छा नहीं लगा राम और सीता जी फिल्म में इमोशन है जिससे आप कनेक्ट कर पाओ देखते वक्त फिल्म नहीं इमोशनल नहीं लगा बट ओवरऑल एंटरटेनमेंट मिलता है या नहीं नहीं थोड़ी बोरिंग आप बताओ आपको कैसे लगे मतलब पिक्चर के बस मतलब शुरू के बस आधे घंटे में बस 3D था मूवी के बाकी फिर ओवरऑल धुल गए कि 3D मूवी थी कि क्या थी बस शुरू पूरी मूवी फ्लैट थी फिर उसके अलावा और ये मतलब पूरी पिक्चर बोरिंग पूरी पिक्चर फ्लैट कुछ इमोशन फील नहीं हो रहा कुछ नहीं फील हो रहा और कुछ टेंशन भी फील नहीं हो रहा जैसे कि वो पर्वत उठाने वाला सीन पूरा फ्लैट फिर वो समुद्र को चेतावनी देने वाला सीन पूरा फ्लैट सब सीन पूरे फ्लैट जा रहे हैं कुछ भी ऐसा फील ही नहीं हुआ मतलब जो सोच के आया था उस तरह का नहीं मिला क्या हाँ मतलब ट्रेलर के अगर देखा जाए तो इस पिक्चर का 1% भी नहीं है मतलब ट्रेलर बहुत अच्छा बनाया इन्होंने मतलब कुछ तो अच्छा लगा होगा यार अच्छे में शुरू के आधे घंटे बहुत अच्छे थे शुरू के आधे घंटे बहुत अच्छे थे बस वही और लक्ष्मण का बाप रे बाप लक्ष्मण का क्या कास्टिंग करी है मतलब लक्ष्मण तो बिल्कुल फ्लैट लगे हैं बिल्कुल फ्लैट और हनुमान जी को तो कुछ गाना भी नहीं दिया हनुमान जी को कुछ गाना देना चाहिए था इनको यहाँ हनुमान चालीसा चलानी चाहिए थी जैसे राम सेतु के एंड में यहाँ जो हनुमान चालीसा चलती है उसकी वजह से जो मतलब जो फील आता है वो हनुमान को तो कुछ फील ही नहीं था वो डायलॉग्स वगैरह कैसे हैं डायलॉग्स तो मतलब बिल्कुल पौराणिक डायलॉग्स थे ही नहीं मतलब सोचो कि सैफ अली खान को वेल्डिंग करते हुए दिखाया मतलब रावण वेल्डिंग कर रहा है वो भी बिल्कुल प्रॉपर वो सूट पहनकर वेल्डिंग सूट पहनकर
मतलब पूरे तरह से निराश कर दिया बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बाकी बस शुरू के बस आधा घंटा बस ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है, बहुत कुछ सेटअप करा हुआ है, बहुत अच्छा VFX लगता है, 3D भी अच्छा लगता है, बट फिर बाद में बहुत बेकार। काम किसका अच्छा लगा? काम सिर्फ कृति सेनन का अच्छा है, एज अ जानकी कृति सेनन का। बाकी राम एज अ राम भी नहीं जमे, ना लक्ष्मण जमे, ना ही विभीषण। विभीषण तो बिल्कुल मॉडल मॉडल लगता है, मॉडल ऐसा लगता है कि मॉडलिंग करना है। नहीं जमे। आउट ऑफ 5 कितने दोगे? 2।